जेन जी आज के समय में आखिर क्यों ये कोई जनरेशन नहीं बल्कि एक गाली बन गई है, और आखिर क्यों खुद जेन जीज भी खुद को जेन जीज कहलवाना पसंद नहीं करते। आप आए दिन ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से जेन जी जनरेशन डूम्ड जनरेशन है और अभी तक की सबसे वर्स्ट जनरेशन। पर उन वीडियोस को भी देखकर हमारे मन में क्लेरिफिकेशन नहीं आता है। चलो मान लिया कि हम में प्रॉब्लम है, पर सोल्यूशन क्या है? और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज ही यही है कि मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे सकूं जेन जीज की असल में प्रॉब्लम क्या है और उसकी रूट कॉज क्या है, और इन सभी प्रॉब्लम्स को जानने के बाद क्या का मेन सोल्यूशन क्या है। क्योंकि अपने वीडियोस में टॉक्सिक ट्रेंड के बारे में बात करते करते ये टॉपिक जेन जीज प्रॉब्लम ये पर्टिकुलर टॉपिक ही कब ट्रेंड बन गया ये पता ही नहीं चला। अब कई लोग अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को जानने के लिए इन वीडियोस को तो देखते हैं, पर उन्हें सोल्यूशन के नाम पर मिलता क्या है? ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो में एक मिनट, और उस सोल्यूशन के नाम पर देते भी कि सोशल मीडिया यूजेस कम कर दो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, सुबह जल्दी उठा करो, एक टाइम रूटीन बनाओ। मतलब मजाक चल रहा है क्या यार? ये सोल्यूशंस किसको नहीं पता है, पर यही बात तो है ना कि ये अप्लाई नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, इस बच्चे को अपना पूरा काम ऑनलाइन करना है, वो अपना स्क्रीन टाइम चाहकर भी कम नहीं कर सकता है। I'm scared to death. I'm frightened and I don't know what to do. I'm confused. And I want to go home. For example, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन बैचेस ले रखे होंगे और सिर्फ पढ़ाई में ही 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम आ जाता है। अब इससे कम स्क्रीन टाइम क्या हो सकता है? और इसके बावजूद भी हमें ऑनलाइन बहुत से काम करने होते हैं, क्योंकि आज का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो ऑनलाइन ही शिफ्ट हो चुका है। आपको छोटा से छोटा कोई भी काम करना होता है तो आप ऑनलाइन ही कराना प्रेफर करते हो, तब इन चीजों से तो बच ही नहीं सकते, तो ये कोई सोल्यूशन तो हुआ ही नहीं। और इसीलिए मेरे वीडियो में मैं वो वादा करता हूँ कि मेजर पार्ट इस वीडियो का सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करेगा। प्रॉब्लम के बारे में तो हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि असल में प्रॉब्लम क्या है, बाकी हम पूरा समय रूट कॉज को और सॉल्यूशन जानने में बिताएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफी है मेरे वीडियो के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात कर लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर जेन जीज हम किसे कहते हैं, आखिर जेन जीज की प्रॉब्लम क्या है, और क्यों आज के समय में ये देश का इतना बड़ा मुद्दा बना है, और आखिर क्यों इस जनरेशन को एक डूम्ड जनरेशन कहा जाता है। और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया और अगर मेरी राय कोई मांगे तो मैं तो इस जनरेशन को एक डेड जनरेशन कहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इस जनरेशन की एक्साइटमेंट मर चुकी है, इस जनरेशन की कुछ भी करने की कैपेबिलिटी ही मर चुकी है। इस जनरेशन को बस तुम एक फोन दे दो और एक रूम दे दो, ये अपना पूरा जीवन बिता लेंगे। पर सवाल तो यही है ना कि आखिर जेन जीज के साथ ऐसा क्या हो गया है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन्हें इतना ज्यादा होपलेस बना देती है, इनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं बचता है, ये बस एमलेस जीने में ही खुश रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें इतना अकेला बना देती है, इन्हें बाहर घूमना भी पसंद नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि जेन जीज कहते किसे हैं, तो बेसिकली अगर कोई 1995 और 2010 के बीच में पैदा हुआ है तो हम उसे जेन जीज कहते हैं। पर अब इस कैटेगरी को बिल्कुल ही एग्जैक्ट मत मानना, क्योंकि जेन जीज को हम उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ज्यादा कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि ये टाइमलाइन कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। जैसे जो सिचुएशन अर्बन एरियाज में 1995 में आए होंगे, वही चीज वही सिचुएशन रूरल एरिया में 2000 के अराउंड आए होंगे। तो अगर हमें कोई भी सिम्टम्स किसी रीजन के वजह से दिखता है और वो रीजन किसी एरिया में किसी समय के बाद आता है, तो हम करेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि जो 1996 में पैदा हुआ है उसमें जेन जीज के बिहेवियर रहेंगे और जो 1994 में पैदा हुआ है उसमें जेन जीज के बिहेवियर नहीं रहेंगे। ये बस एक टाइमलाइन है जो कि कैटेगराइज करती है कि कौन जेन जी होगा, कौन जेन वाई होगा, ये बस एक सेट मार्क है। तो जो बिहेवियर्स मैं आपको बताऊंगा या फिर जो प्रॉब्लम्स आज के समय में चल रही हैं, ये प्रॉब्लम आप में भी देखने को मिलती है, तो मेक श्योर कि इसका सोल्यूशन भी वही होगा, क्योंकि किसी भी जेन जीज के
प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। अब ये मानकर बिल्कुल भी ना बैठे कि अगर आप जेंजीज नहीं हैं तो आप में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और इस चीज के बारे में मैं ब्रीफली अपने वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ जेंजीज के पहले प्रॉब्लम के बारे में तो वो होगा मेंटल हेल्थ इशू, जहाँ पुराने समय में काफी सीरियस इशू माना जाता है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो जेंजीज में सबसे कॉमन इशू माना जाता है। ये जितना सीरियस इशू है ये उतना ही कॉमन हो चुका है जेंजीज के बीच में, क्योंकि लीड करता है एंजाइटी को, डिप्रेशन को, और कहीं ना कहीं लोनलीनेस को भी, और कहीं ना कहीं लोनलीनेस और कहीं ना कहीं नॉन लोनलीनेस हाँ ये कर लो पहले, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा कारण है अकेलेपन का। अब आप बोलोगे कि इन सभी इश्यूज में इतना स्पेशल क्या है, क्योंकि अगर हम देखें तो इन सभी प्रॉब्लम से हर एक जनरेशन गुजर चुकी है। पर बात वही है ना कि इन सभी प्रॉब्लम से हमारी पिछली जनरेशन एक सर्टेन एज के बाद गुजरी थी। मतलब वो तब गुजरी थी जब उनके पास एक थिंकिंग पावर थी, जब उनके पास किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से फाइट करने की एबिलिटी होती थी। पर अगर हम यही प्रॉब्लम को देखे जेंजीज के बीच में तो ये सभी प्रॉब्लम एक एवरेज जेंजीज में 14 से 15 साल की उम्र में ही देखने को मिल जाती है। और आई एम श्योर इस उम्र का कोई भी लड़का इतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से टैकल कर पाए। और अगर मैं बात करूं दूसरे प्रॉब्लम की तो वो होगा इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एवरेज जेंजी को 14 से 15 साल की उम्र में ही मेंटल हेल्थ इशू से गुजरना पड़ता है, और उस समय उतने मैच्योर भी नहीं होते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को आसानी से टैकल कर पाए। और इस बीच एक एवरेज जेंजी कई प्रॉब्लम से गुजरता है, कई एडिक्शन से गुजरता है। फॉर एग्जांपल फोन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, और ऐसे कई सारे एडिक्शन जो कि अगर मैं गिनवाने बैठ गया तो 1 से 2 मिनट उसी में चले जाएंगे। पर इन टॉपिक्स की वजह से मैं अपने मेन टॉपिक से भटक जाऊंगा। अगर आप चाहो तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लेते आऊंगा, पर इस टॉपिक को अभी ज्यादा नहीं छेड़ते हैं। अब इन सभी प्रॉब्लम से जूझते कभी जनरेशन डेड हो जाती है, इन्हें पता ही नहीं चलता है, इनका अकेलापन कभी इन्हें खाने लगता है, ये नहीं समझ पाते हैं। और जब समय आता है इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने का, इन्हें पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, क्योंकि जिस उम्र में इन्हें कुछ इनोवेशन करना चाहिए ये तो अपने मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहे थे। जिस समय इन्हें बाहरी दुनिया में जाकर चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए उस समय तो ये अकेलेपन से गुजर रहे थे। जिस उम्र में इन्हें नए नए चीजों को सीखना चाहिए उस समय तो ये किसी पॉर्न एडिक्शन से गुजर रहे थे। जिस समय इन्हें नए नए चीजों को ट्राई करना चाहिए था उस समय तो बस एक फोन लेकर अपना पूरा दिन बर्बाद कर रहे थे। और अगर आप एक जेंजी हो तो जाहिर सी बात है आपकी उम्र 15 से 25 के बीच में होगी। अगर आप 20 क्रॉस कर चुके हैं तब आप मेरी इस इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर आप अंडर 20 लाइक करते हो तो आप मेरी मेंटल हेल्थ इशू वाली बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। अब जब ये पूरी वीडियो रिवॉल्व करती है जेंजीज के अराउंड तो जाहिर सी बात है मैं आप सभी के प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ, और इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए ही एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। और अगर मैं बात करूँ जेंजीज के तीसरे प्रॉब्लम की तो वो होगा आइडेंटिकल क्राइसिस। एक बड़ी ही अजीब सी प्रॉब्लम नोटिस करने को मिली है जेंजीज के बीच कि वो अपने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब बीच में तुमने भी वो न्यूज सुनी होगी कि कैसे फॉरेन में कुछ लोग अपने आप को एज अ कैट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और एज अ टाइगर, एज अ डॉग, एज अ एनिमल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ लोग। मतलब किसी का दिमाग कितना ही डम कैसे हो सकता है कि वो अपने आप को एक जानवर समझने लग रहा है। और न्यूज काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अब आप कहोगे कि ये सभी चीजें तो अभी फॉरेन में हो रही हैं, पर यकीन मानो कि ये सभी चीजें इंडिया में भी होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब इस बात को तो बड़े ही अच्छे से समझते होंगे कि किस तरीके से इंडिया ब्लाइंडली कॉपी करता है फॉरेन को। तो जो प्रॉब्लम्स फॉरेन में आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स भी इंडिया में आगे चल के जरूर ही आएंगी। तो सवाल ये है कि ऐसा होता ही क्यों है? आखिर कोई भी इंसान अपनी ही आइडेंटिटी को क्यों नहीं पहचान पाता, या फिर अपनी ही आइडेंटिटी को खोजना ये खुद में ही एक पैराडॉक्स टाइप का है, और सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है और इलॉजिकल भी। पर यकीन मानो ये प्रॉब्लम और इसकी रूट कॉज उतना ही ज्यादा मुश्किल है,
और उतना ही ज्यादा खतरनाक, और ये भी एक मेंटल हेल्थ इशू के ही अंडर में आता है। पर ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा अजीब थी तो मैंने सोचा कि इसे एक सेपरेट करके बता दिया जाए। और यही आइडेंटिकल क्राइसिस लीड करती है हमें फेक आइडेंटिटीज की तरफ, जो कि हमें मिलती है इन्फ्लुएंसर से। और एक बात को तो आप भी बड़े अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया में इन्फ्लुएंसर सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते हैं, बल्कि वो आपके भगवान बन जाते हैं। वो क्या पहनते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सभी चीजें अफेक्ट करती हैं कहीं दूर दराज बैठे किसी भी व्यूवर्स को। और वो ऐसे ही बनना चाहता है जो कि वो अपने आइडियल्स को करते हुए देखता है। तुमने कहावत सुनी है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूला, और यही तो हो रहा है ना कि अगर हम दूसरी की आइडेंटिटी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात, वो आइडेंटिटी कॉपी तो नहीं हो, क्योंकि वो किसी और की पर्सनैलिटी है। और तुम इस चक्कर में अपनी भी पर्सनैलिटी को खो दोगे, और जो आइडेंटिटी आपके पास बचती है उसी को हम कहते हैं फेक आइडेंटिटी। और ये फेक आइडेंटिटी लीड करता है कल्ट फॉर्मेशन या फिर ग्रुप फॉर्मेशन को। अब इस बात को आप बड़े प्यार से समझना। मान लो कि तुम एक ऐसे समाज का पार्ट हो जिस समाज ने कुछ क्राइटेरियाज को सेट कर रखा है, अपने कुछ वैल्यूज को सेट कर रखा है, और किसी वजह से आप उनके क्राइटेरियाज के अंडर में नहीं आते हो। अब कहीं ना कहीं आप अपने आप को उनसे अलग मानते हो या फिर अलग फील करते हो या फिर आप उनसे अलग ही हो, तो जाहिर सी बात है आप उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं कर पाओगे और आप अकेला ही रहना पसंद करोगे। पर जस्ट इमेजिन कि उसी समाज में एक और ऐसा इंसान आता है जो कि बिल्कुल ही आपकी तरह है, तो आप क्या करोगे कि उस इंसान से एक अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगोगे, जो कि कोई गलत बात नहीं है। पर अगर हम इसी सिचुएशन को देखें जेंजीज में, तो हर एक इंसान खुद को अलग ही मानता है, वो हमेशा ही दूसरों से अलग मानता है। पर इसी अलग बनने की होड़ में वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रिंज होता है या फिर काफी ज्यादा इलॉजिकल होता है, और ये चीज उन्हें लीड करता है किसी भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पर करने के लिए। जैसे कि आपने कभी वो आर्गुमेंट सुनी है कि यार मैं इस चीज का तो बड़ा ही फैन हूँ, तो दूसरा कहता है अरे मेरे से ज्यादा बड़ा फैन हूँ, तो तीसरा कहता है कि हाँ मैं ज्यादा बड़ा फैन, मैंने तो फैन होने के नाते ये चीजें की हैं, तो फिर दूसरा भी कहता है कि अच्छा तुमने ये की हैं, मैंने तो ये चीजें तक सेक्रीफाइस कर दी हैं फैन होने के नाते, और इन्हें ही हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। और फिर जब हम इनके इसी हरकत की वजह से किसी चीज से इन्हें अलग कर देते हैं तो अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, और इन्हें वैलिडेशन भी मिल जाती है कि ये तो सही है, और अपने खुद की क्राइटेरियाज को सेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि इन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है कि ये सही है या फिर गलत। मैंने जो भी आपको सिचुएशन बताई, ये सिचुएशन गलत नहीं है। बहुत से लोग अलग होते हैं, बहुत से लोग जीनियस होते हैं, तो जीनियस लोगों के साथ ही रहना पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है वो अपना एक ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे, पर उन्हें सही गलत की नॉलेज होती है। अब जब ये जेंजीज कल्ट फॉर्म करते हैं तो इन्हें सही गलत की नॉलेज नहीं होती है। इसके दो रीजन होती हैं। पहले तो ये कि उतने ज्यादा मैच्योर कभी हो ही नहीं पाए और इनकी एक एज भी नहीं होती। अब ज्यादा तो नोटिस करोगे जो कल्ट फॉर्मेशन करते हैं ये अंडर 18 होते हैं, और हमें साफ साफ इनकी इमैच्योरिटी देखने को मिल जाती है। और दूसरा रीजन ये होता है कि इन्हें वैलिडेशन मिल जाता है। अब वैलिडेशन एक टर्म होता है जिसमें अगर आप देखते हो कि दूसरा इंसान भी वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, तब वो सुकून मिल जाता है कि हाँ आप सही हो। जैसे क्या कभी आपके साथ हुआ है कि जब भी आप स्कूल में रहे हो और किसी वजह से टीचर आपको पनिशमेंट देती है, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे क्लास में, तब आपको जो ह्यूमिलिएशन फील होती है उस पनिशमेंट से, वो ह्यूमिलिएशन काफी ज्यादा कम हो जाती है जब वही पनिशमेंट आपके दोस्तों के ग्रुप के साथ दी जाए या फिर आधी से ज्यादा क्लास को वही पनिशमेंट दी जाए आपके साथ, तो ह्यूमिलिएशन उतना ज्यादा फील नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हो कि जो गलती आपने की है वही गलती काफी ज्यादा लोगों ने की है, तो आप उतने भी गलत नहीं हो। और यही चीज जेंजीज के साथ भी होती है। तो जो अगर कोई एक इंसान अपने आप को किसी जानवर की तरह आइडेंटिफाई कर रहा है तो हो सकता है कि आगे चल के उसे रियलाइज हो भी जाए, पर अगर उसे एक ऐसा ग्रुप मिल गया जो कि कोई अपने आप को फॉक्स की तरह आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई अपने आप को डॉग की तरह आइडेंटिफाई कर रहा है, तो भी उनके साथ घुल मिल जाएगा और कहेगा यार हम तो समाज से अलग हैं, ये लोग तो हमारी भावनाओं को समझते ही नहीं है।
चलो एक ग्रुप बना लेते हैं और इसी को हम कहते हैं टॉक्सिक कल्ट फॉर्मेशन। और ये टॉक्सिक कल्ट फॉर्मेशन हमें हर एक जॉनरा में देखने को मिल जाता है, चाहे फिर आप किसी भी जॉनरा को उठाकर क्यों ना देख लें, वो गेम हो, वो म्यूजिक हो, चाहे कुछ भी हो, हमें टॉक्सिक कल्ट फॉर्मेशन देखने को मिल ही जाती है। तो यहाँ पर बेसिक जेंजिस की लगभग सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं पर मेजर प्रॉब्लम्स कवर हो चुकी हैं। ये वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से जेंजिस को बदनाम किया जाता है या फिर कहो तो उन्हें डूम्ड कहा जाता है, क्योंकि अभी मैंने जो भी प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं वो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कहीं ना कहीं जेंजिस इतना ज्यादा डूम्ड है कि इसे एक डेड जनरेशन कहना बिल्कुल सही है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जेंजिस इन प्रॉब्लम से बच सका है या फिर जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं ये सिर्फ एकाक ही लोगों के साथ, ये प्रॉब्लम पूरी जनरेशन के साथ है। पर सवाल ये है कि इसका रूट कॉज क्या है, आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ यही पर्टिकुलर जनरेशन इतना ज्यादा डूम्ड है, इसे पहले किसी जनरेशन के साथ तो इतनी डाइवर्सिटी नहीं हुई थी। वेल तो वीडियो यहीं पर खत्म हो चुकी है और आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या मैंने आपको जितने भी प्रॉब्लम्स बताए आप उसे रिलेट कर पाए या फिर नहीं कर पाए। एंड आई एम सॉरी कि वीडियो को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि आई नो आप में से काफी लोग होंगे जो डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि वो जिस एक्सपेक्टेशन से आए थे कि उन्हें अपने प्रॉब्लम्स के कॉजेज और फिर सॉल्यूशन जानने को मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि मैंने पूरे जेंजिस के प्रॉब्लम के कॉजेज पर एक केस स्टडी की थी और काफ़ी लंबा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था और काफ़ी लंबी वीडियो भी बन गई थी। इसके वजह से इतने बड़े पार्ट को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से मैंने पहले ही एक प्रॉब्लम की वीडियो रिलीज कर दी और जेंजिस के प्रॉब्लम के कॉजेज वाली या फिर सॉल्यूशन वाली जो भी वीडियो है वो एक हफ्ते बाद आएगी। और उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जेंजिस के प्रॉब्लम की कॉजेज क्या हैं और असल में उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जितने भी प्रॉब्लम बताई आप लोगों को, हम ऐसे प्रॉब्लम जूझने वाले लोगों को पहले ही एक अलग कैटेगरी में रख चुके हैं जिन्हें हम छपरी कहते हैं। लेकिन जेंजिस में एक कैटेगरी और भी आती है जो कि आप लोग हो, आप ना ही इनसे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो और ना ही बहुत ज़्यादा बचे हुए हो, तो उनका क्या सोल्यूशन है और आखिर मैंने क्यों इस जनरेशन को एक डूम्ड ना कह के एक डेड जनरेशन कहा है। क्योंकि अगर डूम्ड कहो तो पूरी जनरेशन डूम्ड नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं क्योंकि वाकई में काफ़ी ज़्यादा काबिल हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं और काफ़ी बेहतर हैं। पर अगर मैं इसी जनरेशन को एक डेड जनरेशन कहता हूँ तो सभी पर अप्लाई होता है, क्योंकि आप भले ही कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो पर आपकी भी लाइफ डेड हो चुकी है, आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। आप भी इस बात से रिलेट तो करोगे ही कि आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। सैडनेस जैसे घर बना ली हो और डिप्रेशन तो जैसे बुखार, कभी जाती ही नहीं है। बाकी आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी है, बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।